हम फिर से अपने विचारों से परेशान हैं। अब क्या है विचार है? मेरा घर ऐसा है, मेरा घर में तो ये नहीं है, मेरे घर में तो वो नहीं है, हमारे रिश्तेदारों का घर कितना अच्छा है, हमारे पड़ोस का घर कितना अच्छा है, इनका घर अच्छा है, उनका घर अच्छा है, ये विचारों से हम परेशान हैं। मान लिया कि कुछ तो कमी होगी हमारे घर में, पर जब हम बाहर कहाँ हमारे रिश्तेदारों के घर जाते हैं, दो चार दिन रुकते हैं, मानो उनका घर बहुत अच्छा है, दो चार दिन रुकते हैं तो उनके बाद हमें हमारे घर की याद आने लगती है। मानो कभी कभी हमें वहाँ नींद भी नहीं आती, हमारे घर की याद आने लगती है। दो चार रुक गए, चलो अब घर चलते हैं, ठीक है नहीं? और जब ट्रैवलिंग करेंगे तब हमको हमारे घर की ही याद आएंगी, कब घर पहुँचेंगे और कब चैन से बैठेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और हम घर आते हैं तो उस वक्त हमारे मन में हमारा घर ऐसा है वैसा है, ये विचार हमारे मन में नहीं रहते, ठीक है नहीं? और दूसरा, हम कभी घूमने गए, एक हद होटल में रुके, होटल तो बहुत अच्छी होती है, फिर भी हमें वहाँ रुकने के लिए एक दो दिन ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद ही हमें हमारे घर की याद आती है। जब और हम घर पहुँचते हैं, उस वक्त जब हम घर आते हैं, उस वक्त हमें ये विचार ही नहीं रहता कि हमारा घर अच्छा नहीं है। उस वक्त सिर्फ हमारा हमको हमारा घर दिखने लगता है। तो वैसा ही विचार हम कंटिन्यू रखेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। और कुछ जो थोड़ी बहुत बातें होंगी घर में जो नहीं अच्छा नहीं है, तो हमारे हिसाब से, हमारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हम उस पर चेंज कर सकते हैं और हम अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। इसलिए हमारे विचारों पर ही काबू रखना ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।